नमस्कार, सिटी फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अभी हाल ही में वो लिस्ट आई है और आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हांसी की। हांसी से सुरेंद्र शर्मा को फिर से बसपा पार्टी ने टिकट दी है। आदमपुर से सतबीर, उकलाणा से भजन लाल, नारनौंद से महेंद्र सिंह अहलावत, भवानीखेड़ा से बनारसी दास व उचाणा से समरजीत सिंह को बसपा की टिकट मिली है। हम बात करते हैं हांसी की, तो हांसी से सुरेंद्र शर्मा पर बसपा ने फिर से दांव खेला है। सुरेंद्र शर्मा वही नेता है जिसे लोकसभा चुनाव में बसपा पार्टी की टिकट पर बुरी तरीके से नकार दिया गया था। जनता ने मात्र 45,190 वोट देकर सुरेंद्र शर्मा की जमानत जब्त करवा दी थी। इसके बावजूद बसपा पार्टी ने सुरेंद्र शर्मा पर फिर से दांव खेला है। आपको बता दें कि हांसी विधानसभा सीट पर बसपा पार्टी के टिकट की दावेदारी कई वकील भी पेश कर रहे थे। हमारे सूत्र बताते हैं कि दलित एक्टिविस्ट व अधिवक्ता रजत कलसन के द्वारा भी बसपा की टिकट मांगी जा रही थी। इसके अलावा एक और अधिवक्ता है अमित कुमार के द्वारा भी बसपा की टिकट मांगी जा रही थी। दोनों ही अधिवक्ताओं की दावेदारी पर पार्टी ने विश्वास नहीं जताया और फिर से लोकसभा चुनाव में हारे हुए कैंडिडेट पर पार्टी ने विश्वास जता दिया है। हमारे सूत्रों का ये भी कहना है कि सुरेंद्र शर्मा को टिकट मिलने के बाद बसपा पार्टी में भी बिखराव है, क्योंकि बसपा पार्टी का जो एक धड़ा है जो अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास रखता है और अंबेडकर की विचारधारा से गहराई से प्रभावित है, वो सुरेंद्र शर्मा की टिकट का विरोध कर रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी बताते हैं कि यही कारण रहा कि सुरेंद्र शर्मा को पिछले चुनाव में जो बसपा को वोट मिले थे उससे भी 15,000 से 20,000 कम वोट उन्हें हासिल हुए। लेकिन सुरेंद्र शर्मा के अपने आंकड़े हैं, समीकरण है, जिसे वो सुप्रीमो को दिखाकर हांसी विधानसभा सीट से टिकट लेकर आए हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र शर्मा कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी हांसी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। मनोज राठी को उन्होंने अपना उम्मीदवार हांसी से पिछले हफ्ते घोषित किया था। इसके अलावा भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, INLD, JJP, किसी भी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो 1 से 2 दिन के अंदर BJP जो पार्टी है वो हांसी विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। विधानसभा चुनाव की ताजा तरीन खबरों के लिए आप सिटी फर्स्ट न्यूज को देखते रहिए।